क्या आप जानते हैं कि हिंदू पंचांग में प्रदोष काल कितना महत्वपूर्ण माना जाता है? खासकर जब यह बुधवार को आता है तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। आज हम उज्जैन के पंडित आनंद भारद्वाज से जानेंगे इस दिन के कुछ अचूक उपाय और कैसे ये उपाय भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत, जो भगवान शिव को समर्पित है, धार्मिक ग्रंथों में बहुत उत्तम माना गया है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। अगर आप संतान सुख की कामना कर रहे हैं तो बुध प्रदोष व्रत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इस बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 19 जून को सुबह 7:29 बजे से शुरू होकर 20 जून को सुबह 7:49 बजे तक रहेगी, इसलिए बुध प्रदोष व्रत 19 जून को रखा जाएगा। अपने भारत में देखा गया कि अनेक व्रत और त्योहार कहे गए हैं और इनमें कुछ विशेष व्रत कहे गए जैसे एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत और पूर्णिमा, संक्रांति, ऐसे व्रत कहे गए हैं। उसमें अभी आने वाला है 19 जून को यह बुध प्रदोष आ रहा है। यह प्रदोष व्रत भगवान शिव जी महाराज को बड़ा प्रिय है तथा इसमें भगवान शिव शंकर तथा गौरी जी का पूजन किया जाता है तथा प्रदोष का व्रत भी एकादशी की तरह ही रखा जाता है। प्रदोष के व्रत करने से अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होते हुए भगवान शिव शंकर जी को प्रसन्नता के लिए तथा संतान सुख के लिए, धन सुख के लिए अलग अलग सप्त प्रदोष कहे गए हैं। 7 बार जिस प्रकार आते हैं, 7ों वारों में एक प्रदोष आता है, तो उसमें ही अभी बुध प्रदोष आ रहा है। बुधवार को प्रदोष आ रहा है तो इसलिए बुध प्रदोष ही पड़ रहा है। इस बुध प्रदोष में भगवान शिव शंकर जी का पूजन किया जाए। अब जानते हैं कुछ विशेष उपाय जिनसे भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। भोग अर्पण, शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन गेहूं के आटे में गाय का घी और शक्कर मिलाकर भोग बनाएं और पूजा के समय भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा दृष्टि बरसती है। श्रद्धा पूर्वक उनको गेहूं के आटे में घी और शक्कर मिला कर करके उसको सेक करके भगवान को भोग लगाया जाए तो भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। बेलपत्र अर्पण, प्रदोष व्रत के दिन 21 बेलपत्र पर चंदन से नम शिवाय मंत्र लिखें और पूजा के समय एक एक करके सभी बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें। इससे भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कुछ उपाय करने से जिस प्रकार बेलपत्री पर ओम नमः शिवाय लिख करके 21 बेलपत्र भगवान शिव जी महाराज को अर्पित करें, उससे सभी मनोकामना पूर्ण होती है तथा धन दान से वृद्धि होती है तथा भगवान शिव शंकर जी महाराज अपनी कृपा बनाए रखते हैं, भगवान शिव शंकर जी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही इन मंत्रों का जाप करना न भूलें। महामृत्युंजय मंत्र, प्रदोष व्रत में महामृत्युंजय मंत्र का बहुत प्रभाव है। पूजा के दौरान इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। क्षमायाचना मंत्र, महादेव की पूजा के बाद क्षमायाचना मंत्र जरूर पढ़ें। इससे पूजा के दौरान जाने अनजाने में हुई गलतियों का दोष नहीं लगता और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार कुछ उपाय है जो कि अमन बुध प्रदोष को कर सकते हैं, जिससे घर में धन धान तथा सुख संपत्ति आदि बनी रहे तथा हमारे जीवन मंगल में रहे। इस प्रकार की कामना करके भगवान शिव शंकर से आशीर्वाद प्राप्त करें कि ये बुध प्रदोष आपके लिए सबके लिए शुभ रहे। बुध प्रदोष व्रत रखने से न सिर्फ आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं बल्कि जीवन में सुख शांति और संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। तो इस 19 जून को भगवान शिव की आराधना करें और इन अचूक उपायों को अपनाएं। लोकल 18 के लिए उज्जैन से शुभम मर्मट की रिपोर्ट।